बिसमरिम अलैक्म डी स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर मोइनुल हसन एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एम डी कैट ए प्लस सीरीज़ टेस्ट नंबर थ्री सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट डी स्टूडेंट्स हम ये जो टेस्ट डिस्कस करेंगे ये ए प्लस सीरीज़ का टेस्ट नंबर थ्री ये वर्ल्ड लिस्ट लिस्ट वर्ल्ड के वर्ड्स वन टू फोर्टी पर मुश्तमिल है और इसमें होमोफोन्स ए टू डी पे क्वेश्चंस बने हुए हैं तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले सेंटेंस कंप्लीशन के थ्री क्वेश्चन है। हैं द मैन डैश लेबल हिम एज अ मिलियन एयर डिस्पाइट हिज अंट आई डी अब देखिए कौन सी चीज उस मैन की कौन सी चीज उसको लेबल करेगी एज अ मिलियन एयर लेबल कोई ऐसी चीज करेगी जो कोई इंफॉर्मेशन देगी उसके बारे में कि ये मिलियन है इसके पास पैसे बहुत हैं डिस्पाइट हिजांट आई डी पेरेंट्स अगरचे उसकी अपेयर जो है लुक्स जो हैं वो तो कोई इतनी अमीरों वाली नहीं है तो क्रेडिट्स क्रेडिट्स इंफॉर्मेशन नहीं होती क्रेडिट्स तो एक्चुअलिटी उस बंदे का लेन देन उधार ये चीज है क्रीडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि लेबल करती है किसी मिलियनेयर को कि ये मिलियनेयर है कि उसका क्रीडेंशल का मतलब है उसका बैंक बैलेंस और उसकी एसेट्स uh, की इंफॉर्मेशन और सारा कुछ और उसने क्या क्या काम किए हुए हैं और वो क्या बिजनेस है उसका ये सारा कुछ क्रिडेंशियल होता है तो ये हो सकता है आंसर चार्ली क्रेडुलिटी कि ये बंदा बहुत ज्यादा किसी पे यकीन कर लेता है क्रेडुलस है तो ज्यादा यकीन करने वाला अमीर नहीं होता बल्कि वो तो शायद गरीब होता है धोखे खा के तो इस वजह से चार्ली नहीं है और उसके बाद क्रूडनेस कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है ये भी रीजन नहीं है मिलियनर होने की तो बीटा इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो उसने लिटरेचर लिखा है, उसने काम किया है उसको स्टडी करके हम उसके मेरिट्स को डैश कर सकते हैं अब मेरिट को डैश करना है पॉजिटिव वर्ड ही होगा और स्टडी ऑफ हिज वर्क से कर सकते हैं उस बंदे ने कुछ काम किया हुआ है तो अप्रेज कर सकते हैं अपराइज का मतलब होता है जो बीटा है अपराइज उसका मतलब होता है अगाह करना अप्रेज का मतलब होता है एनालाइज करना तो मेरिट को आगाह नहीं किया जाता बल्कि एनालाइज किया जाता है तो अल्फा हो सकता है चार्ली रेज मेरिट को रेज किया जा सकता है स्टडी करके नहीं मेरिट को रेज करने की कॉलोकेशन ही नहीं है और रिजन कैन ओनली बी रिजन तो रेज किसी चीज को उठाना होता है और राइज तो खुद उठना होता है तो राइज तो ये जो डेल्टा ऑप्शन है ये तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही गलत है तो अल्फा करेक्ट आंसर 117 का उसके बाद है 118। हियर हर ग्रेट ब्यूटी डैश द किंग खातून की खूबसूरती ने किंग को डैश किया हुज लव फॉर हर रिमेंड कॉन्स्टेंट और फिर वो उस खातून से लव उसने किया तो ये जो पॉजिटिव ये बात है कि द किंग फेल इन लव विद द वोमन तो सर्टनली हर ग्रेट ब्यूटी अट्रैक्टेड द किंग इस तरह की कोई बात होगी यहाँ पे तो अट्रैक्टेड का सेरोनिम हमें चार्ली में कैप्टिवेटेड नजर आ रहा है बिलोंग्ड द किंग नहीं होगा और बिलोंग के साथ तो टू आना भी ज़रूरी है इलोंगेटेड द किंग बिल्कुल मीनिंग नहीं रिलेट कर रहा क्योंकि इलांगेट का मतलब होता है लंबा किसी को कर देना लेंथ बढ़ा देना किसी चीज़ की और डेल्टा कैपसाइज्ड उसको डबो देना ये थोड़ा मजाही सेंस में हो सकता है कि खातून की ब्यूटी ने बादशाह को डबो दिया बर्बाद कर दिया इस सेंस में तो हो सकता है लेकिन सीरियस सेंस में ये डेल्टा करेक्ट आंसर नहीं है तो चार्ली इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखते हैं वन नाइनटीन अब होमोफोन्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं ये वर्ड्स वो हैं जो अपनी साउंड में तो एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग में थोड़ा डिफरेंट है द एमिग्रेंट फेस्ड डिफिकल्टी इन अडेप्टिंग टू द न्यू क्लाइमेट तो यहां पे अडेप्टिंग होगा जो के अडेप्ट uh, का मतलब होता है किसी चीज और किसी सिचुएशन के साथ अपने आप को मुताबिक कर लेना तो अडेप्टिंग होगा और अडोप्टिंग uh, नहीं होगा अडॉप्ट का मतलब होता है इख्तियार करना किसी चीज़ को के मुताबिक ढालना यहाँ पे रिलेट कर रहा है कॉन्टेक्स्ट में और अडेप्ट जो होता है ये तो स्किलफुल या माहिर को कहते हैं और ओपीएट जो डेल्टा है इसका मतलब है किसी को कोई नशा आवर चीज देना या इस्तेमाल करना नेक्स्ट क्वेश्चन दवाखात मदीना ब्रदर्थरोड, मदीना ब्रदरहुड मदीना ब्रदरहुड वॉज एन एम्बलम ऑफ डैश एंड कंजीनियलिटी अब मुआखात है ब्रदरहुड है तो आ, मदीना की हिस्ट्री में प्रॉफिट पीस पीसबे हिम के दौर में उनके कंपेनियंस को प्रॉफिट ने आपस में भाई भाई बनाया था तो ये जो मुआखा मदीना वॉज एन एम्बलम ये एक अलामत थी ऑफ एमिटी टी ब्रदरहुड में एम होती है यानी कि आपस में प्यार मोहब्बत और खुलूस तो एमिटी एंड कंजीनियालिटी होगा और एंड के जरिए जो दो वर्ड्स जुड़ते हैं वो आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं तो कंजीनियालिटी और एमिटी आपस में आपस में सिनोनिम्स हैं बीटा नहीं है एनोमिटी का मतलब होता है साइज में बहुत ज्यादा होना या अपने इम्पैक्ट में बहुत ज्यादा होना एनमिटी दुश्मनी ये तो बिल्कुल एनटोनम है और एनिमोसिटी भी दुश्मनी है ये दोनों तो बिल्कुल आउटराइटली अपने मीनिंग की वजह से आंसर नहीं है तो 120 का अल्फा आंसर हो गया 121 ट्वेंटी वन डैश जूस अब जूस किस चीज का हो सकता है किसी फ्रूट का या किसी सब्जी का किसी खाने वाली चीज का तो इसमें खाने वाली चीज सिर्फ चार ही है बी डबल तो बीट जूस इज वेरी हेल्पफुल एज अ डिटॉक्स डिटॉक्स का मतलब होता है बॉडी के टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालने वाली चीज नेक्स्ट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हैं सिनोनिम्स के और सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स के

इन्फ्लिक्ट करना किसी के ऊपर कोई चीज थोपना नाजिल करना नाफि करना रिक्ड हैविक यूज होता है जिसका मतलब होता है तबाही फैला दी तो ये रिलेट नहीं कर रहा बीटा रॉट है तो ये भी रॉट आयरन जैसे होता है रॉट का मतलब है जिसपे कोई कंदा कारी की गई हो काम किया गया हो यहाँ पे अटैच टू की मीनिंग में सिनोनिम में ये रिलेट नहीं कर रहा रेक्ट तबाहशुदा होता है चार्ली ये भी आंसर नहीं है तो डेल्टा आंसर है नेक्स्ट वर्ड अलास है अलास में वो अलास जो है वो किसी गम के मौके पर बोला जाता है तो डब्ल्यू ओ वो जो है ये इसका सिनोनिम बन रहा है जो इसका मतलब है गम एल्फ़ा वू जो है उसका मतलब होता है लुभाना और चार्ली वी तो बहुत ईजी है लेकिन ये आंसर नहीं है और वाव किसी खुशी या हैरानी के मौके पर बोला जाता है ये भी आंसर नहीं है एंगजाइटीज़ 125 एंगजाइटीज़ वरीज़ को कहते हैं तो चार्ली आंसर होगा एन एक्स किसी चीज को अपने साथ जोड़ लेना एल्फा वेरी थका हुआ और एक्सियम्स जरबुल मिसाल को कहते हैं ईडियम्स वगैरह को नेक्स्ट वर्ड ब्रिमिंग है ब्रिमिंग का जो सिनोनिम है वो टीमिंग है टी डबल ई एम के साथ और टी ई एम टी डबल ई एम के साथ है इसलिए इसका मतलब है लबा लब भरा हुआ एल्फा ट्रिमिंग नहीं है ट्रिमिंग का मतलब है काट के किसी के मुताबिक कर देना किसी साइज के मुताबिक ये नहीं है ब्रूडिंग सोचना बहुत ज्यादा ये भी आंसर नहीं है और रिमिंग किनारे पे होना ये भी आंसर नहीं है 127 को देखिए बैफलिंग किसी को कंफाउंड करने वाला या कंफ्यूज करने वाला तो अल्फा नहीं है बंगलिंग इसका तो मतलब है कोई काम खराब कर देना बीटा बिफूलिंग ये थोड़ा सा लग सकता है आंसर किसी को बेवकूफ बनाना तो बेवकूफ बना के जरूरी नहीं कि वो बैफलिंग सिचुएशन हो एक बंदा आराम से बेवकूफ बन गया वो कंफाउंड हुआ ही नहीं बैफल हुआ ही नहीं तो बैफलिंग जो है वो कंफाउंडिंग है चार्ली और कंटूरिंग भी नहीं कंटूरिंग का मतलब नक्शोनिगार को वाजे करना नेक्स्ट वर्ड है कोवेटेड कोवेटेड का मतलब डिजायर्ड है ही करेक्ट आंसर है कवर्ड नहीं कवर्ड कोई चीज ज़रूरी नहीं कि वो डिज़ायर्ड भी हो और वोटेड बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा सिर्फ होमोफोन है सिर्फ इसमें आवाज है वोटेड वोटेड और वीटोड किसी डिसीजन के खिलाफ डिसीजन दे, दे देना और उसको रोक देना ये भी आंसर नहीं है लास्ट जो सिनोनिम्स का क्वेश्चन है वो है कोलाइड विद कोलाइडेड विद तो कॉन्फ्लिक्ट विद इसका आंसर होगा दो चीजों का आपस में टकराना कंसाइन ड्यूटी असाइन करना होता है तो रिलेट नहीं कर रहा कोल्यूड विद दो लोगों का आपस में मिलकर कोई काम करना खासतौर पर कोई नेगेटिव काम करना और डिफ्लेक्ट फ्रॉम किसी चीज से रिफ्लेक्ट होना रोशनी का या किसी वेवस का ये भी कोलाइड विद कोलाइड में इतना सा है कि वो टकरा के वापस होती है लेकिन डिफ्लेक्ट में सिर्फ टकराने की हद हाँ तक रिलेट करता है जबकि कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जैक्ट सिनोनिम है इसका अब हम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि लास्ट सेगमेंट है हमारे टेस्ट का कंपेल्ड मजबूर हुआ हुआ और लिबरेटेड चार्ली जो है वो आजाद हुआ हुआ एमस्नेड गिरफ्तार शुदा किसी फंदे में लाइबल्ड किसी ड्यूटी में जिसके ऊपर कोई ड्यूटी हो लाइबिलिटी हो और या कोई केस वगैरह किसी के ऊपर किया जाए ये एक लीगल टर्म है और फीबल्ड कमजोर किया हुआ डाल्टा तो चाली ही आंसर है कॉम्प्रीहेंशन समझ तो कंपेल्ड का जिस तरह से एंट्रोन लिबरेटेड था 130 में तो कॉम्प्रिहेंशन का जो एंट्रोनेम होगा वो कंफ्यूजन होगी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ है और कंफ्यूजन समझ में गड़बड़ तो एल्फा कंजेशन किसी चीज का घुटन ज्यादा होना ये आंसर नहीं है कॉग्निजेंस ये कॉम्प्रिहेंशन का सिनोनेम है जबकि हम एंटोनिम का क्वेश्चन कर रहे हैं और अपीजमेंट किसी को तसली देना आंसर नहीं है ये कन्फाइनिंग कन्फाइनिंग का मतलब है एक जगह पे लिमिटाइज करना किसी को तो कन्फाइनिंग ऐसी चीज होगी जिसका एंटोनिम होगा लेटिंग गो कन्फाइनिंग का मतलब है किसी को किसी जगह पे कन्फाइन करके रखना और लेटिंग गो छोड़ देना तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर उसके बाद है कौशन और नॉनशैलेंट गैर मोहतात इजी गोइंग चार्ली इज द बेस्ट आंसर एल्फा आंसर नहीं है सीजन सीजन का मतलब एक्सपीरियंस्ड होता है क्राइटीरिया क्राइटीरिया कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे किसी चीज को हम जज करते हैं तो क्राइटीरिया जो है वो सेट इंफॉर्मेशन है जबकि एबरेशन जो है वो उससे हटी हुई चीज है जो कि रेगुलरिटी को फॉलो ना कर रही हो तो क्राइटेरिया रेगुलर और एबरेशन इेगुलर अल्फा करेक्ट आंसर है बीटा नहीं है एबनीगेशन का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना क्राइसिस इजी वर्ड है ये आंसर नहीं है और क्रेडुलिटी आसानी से यकीन कर लेना तो ये क्राइटेरिया का एंटोनेम नहीं है लास्ट वर्ड जो हमारा है वो एंटोनेम का वो है डिस्प्यूट किसी के साथ झगड़ा करना और ये नाउन के तौर पे है यहां वर्ब के तौर पे नहीं है क्योंकि जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो भी नाउन है तो कंसेंसस डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है एज अ नाउन उसका मतलब है इतफा राय तो डिस्प्यूट का मतलब है अदम इतफाक राय और कंसेंसस का मतलब है इतफाक तो ये इसका एग्जैक्ट एंटोन हुआ डियर स्टूडेंट्स हमने एम डी कैट ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर थ्री आप लोगों से आज डिस्कस किया आई होप के ये आप लोगों के काम आएगा मुफीद रहेगा अपना ख्याल रखिए स्टडीज़ को जारी रखिए अल्लाह आपका का हामी मुनासर हो अल्लाह हाफिज़